भारत से मानसून की पूरी तरह विदाई हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून 15 अक्टूबर की सामान्य तारीख के 4 दिन बाद गुरुवार को पूरी तरह लौट गया है। मानसून की वापसी की प्रक्रिया सामान्य तिथि से 8 दिन बाद 25 सितंबर को शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर और उसके नजदीकी लक्षद्वीप के क्षेत्र के ऊपर एक संभावित चक्रवाती प्रणाली तैयार हो चुकी है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं के चलने के आसार हैं और चक्रवात के तट से टकराने के बाद महाराष्ट्र के मुंबई पुणे सहित कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बयान में कहा कि 20 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की और तूफानी हवा और तेज होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँचने के आसार हैं। 21 से 23 अक्टूबर के दौरान तूफानी हवाओं के धीरे धीरे बढ़कर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे में तब्दील होने की आशंका है।